वो तो वोट नहीं जो डालने देते तो फिर वो तो फिर मैं क्या कहूँ, कसमन खाएंगे। तो मैंने 30,000 चैरिटी का जो है एक्सेप्ट किया है चैलेंज, जो कि कैंसर के पेशेंट्स के लिए है, वो वाला यूनिट, हाँ जी, उसके लिए यूनिट है। और मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए अपने सब फॉलोअर्स की 30,000 रेज करने के लिए। इसमें मेरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा खाना था, बड़ा एंजॉय किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बालों का कलर अच्छा लग रहा है, हाइलाइट्स। अस्सलाम वालेकुम जी, वीरो एंड वीरनियो। मैं क्या, चलो आज पेंटिंग शेंटिंग डेंटिंग चेंटिंग सब करा लें, हैं अपना ख्याल असी नहीं रखना, तो और किन्ने रखना है। आके मैं भी बह गई अज कुर्सी ते, 2 घंटे मैं कहनी हाँ आराम आ गया मैनू, दिमाग नू सुकून आ गया। उन्हें मेरा सिर धोता, मैनू तो लगे हाए मैं तो सौ ही चली हैं। इन्ना बंदा दुखिया हुंदा कभी? उन्हें जो फिर खिच खिच मेरे वाल सीधे किते, मैं कहनी हाँ ऐसे पाऊँ चढ़ाए मेरे वालों ने, मेरे वाल वेखो फुल फुल के कितने पहुँच गए। बहुत ही सोहने उन्हें मेरे वाल कट्टे, बहरहाल जिन्हें डैमेज सन भारी वर्गे होए सन, मैं कट दे सारे ही वढ़ दे, इन्हों आप ही वधते रहेंगे। तो बस जी फिर बाल शाल कटा के तो मैंने कहा घर चलिए, क्योंकि आज मेरी बेटी की बर्थडे भी है। और फिर इसके आगे आप देखेंगे कि हम गए रेस्टोरेंट में खाना खाने, फिर चैरिटी का इवेंट भी, इंडस चैरिटी का आप देखेंगे। तो यह वेखो यह बच्चों ने ही गिफ्ट शिफ्ट एक दूजे को दिते सन, यह सारी डेकोरेशन अयान ने की। इन्हू बड़ा ही चा चढ़िया सी भैन की बर्थडे का। अभी मेरे जो YouTube पर व्लॉग्स आने हैं ना, वो मेरे पुराने हेयर स्टाइल में 2-3 व्लॉग्स आएंगे, उसके बाद जो है फिर नया व्लॉग जो है वो हम आएंगे। अच्छा, आज हम तैयार श्यार होके किधर जा रहे हैं? आज मेरी बेटी की बर्थडे और हमने सोचा कि भाई कौन से रेस्टोरेंट में जाएं, कहाँ जाएं। एंड पे जो मुझे बहुत ही पसंद है रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते भाई कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, तो वो है स्पाइस विलेज। तो क्योंकि इनका खाना मैंने ट्राई किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, बहुत ही अच्छा है, तो आज हम फैमिली के साथ जा रहे हैं। हमने जो रेस्टोरेंट चूज़ किया है वो है स्पाइस विलेज। तो आपको हम जो साउथ हॉल की ब्रांच है वो दिखाएंगे कि वहाँ का खाना कितना ज़बरदस्त है। आ जाओ चले चले जी, चलते हैं और आपको चल के मिलते हैं स्पाइस विलेज में। ट्रैफिक नहीं सी, असी जल्दी पहुँच गए और बाहरों रेस्टोरेंट लगता पिया सी कि बहुत बिजी है, माशाल्लाह हाउस फुल था। है पार्किंग जो है वो भी मेरे हस्बैंड ने हमें उतार दिया, और उन्होंने कहा वो गाड़ी पार्क करके आए। जी ठीक हो। अभी हम खाना ऑर्डर करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया। टेबल साडा रिजर्व होया सी, तो इतनी देर में आ गए पापड़ और चटनियाँ। हम अभी ऑर्डर देने लगे हैं स्टार्टर्स के लिए इनको। आपका नाम? शॉन। शॉन भाई ऑर्डर लेंगे हमारा, तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? फोर स्टार में समोसा चाट, पापड़ी चाट ले सकते, पानी पूरी बेस्ट है पूरा साउथ में। अच्छा अच्छा, चलें पानी पूरी। फोर स्टार में आपको चिकन टिक्का भी स्पेशल है। अच्छा। मसाला फिश, आप मसाला फिश कर दें जी, और पानी पूरी कर दें जी, और सीख कबाब और चिकन टिक्का। चलो एक पोर्शन वो कर दें, पता नहीं खाएंगे कि नहीं, लेकिन ये जब तक ऑर्डर बनता तो मैंने कहा चलें ज़रा इनके किचन में जाते हैं, और स्पेशल परमिशन ली हमने किचन में जाने के लिए, प्रॉपर सेफ्टी चीज़ें पहन पुन के हम आए।
इनके किचन में, और यहाँ पर नान बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे। नान दे उत्ते उन्होंने क्या मेल्टेड लाया बटर, और इतना ज़बरदस्त। मैनू बड़ा ही शौक जे तंदूर च रोटियां लग दियां वेखा या नान लग दे वेखा। जिहड़े वेले तंदूर च नान लग के इंज फुलदे ने ना, मैं कहनी हाँ कि बस तबीयत खुश हो जाती है। और यहाँ पे चॉप्स बन रही थी जो हमने आगे ऑर्डर करनी थी उसमें अपने मेन कोर्स में, और कबाब ये जो हमने स्टार्टर में ऑर्डर किए ये वो थे। ये देखें ये भाई बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे ये शेफ़ लगा रहे थे कबाब। इन्होंने मुझे कहा आएँ बाजी आपको दिखाते हैं, आप हमारी टूटिंग वाली ब्रांच में भी आई थी, इन्होंने पहचान लिया मैनू। मैं क्या हाँ, मैंने वहाँ का किचन भी देखा था और मेरा बड़ा दिल है कि मैं यहाँ पर भी देखूँ आप किस तरह से तड़के लगा के। दाल बड़ी ज़बरदस्त बन रही थी, ये है चरसी कढ़ाई और ये साथ इन्होंने दाल बनाई। दाल तो खैर साढ़े ऑर्डर च नहीं सी लेकिन बड़ा ज़बरदस्त खाना था। ये देखें जी फैन है, फैन की अम्मी वो कहाँ से बात कर रही है? ये इधर ही रहती है, ये खाने तक गई है। अच्छा क्यों से? अच्छा अच्छा, मुझे ये आपकी वीडियो हर वक्त देखती हूँ। अच्छा, आपकी बातें और सब कुछ हम बड़ा अच्छा अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, स्पेशल पानी पूरी इसमें से कैसे निकालना है ये ट्राई करते हैं हम, पानी पूरी कैसी लगेगी। हाय 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 हाय। साढ़े आ गए स्टार्टर्स ते वेखो ये कबाब ते चिकन टिक्का सी, और ये थी दूसरे कबाब थे, ये फिश थी। फिश जो है इनकी सिग्नेचर डिश है स्पाइस विलेज की, सी लास्ट टाइम भी ट्राई की थी सी, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये कबाब और चिकन टिक्का भी बड़ा ही ज़बरदस्त था। इतने मैं कहती हूँ सॉफ्ट थे कबाब, बहुत ही नरम बने हुए थे, बड़े ही मॉइस्ट सन। उनके ऊपर थे प्याज थे, लेमन था, और ये आ गई ड्रिंक्स। ड्रिंक्स भी बढ़िया ही मज़ेदार सन, ब्लू लगून थी और होर फरे बाकियां दे मैनू ना भुल गए ने। ए लेमन वाली पुदीने वाली मैं लई, ए बड़ी वधिया सी, बड़ी ही ज़बरदस्त। ए वेखो फिर बच्चों को शौक होंदा ना ड्रिंकां सारियां कट्ठियां करके उन्हां दियां तस्वीरां खिंचण दा। और ये देखें ये चौप तो खाना जो है, खाने का मैंने आपको दिया रिव्यू के कबाब बड़े टेस्टी सन, और ये जो इन्होंने किए होते हैं ना प्याज नीचे डाल के बड़े कैरमलाइज किए होते हैं, बड़े ही ज़बरदस्त लगते हैं। बच्चों ने भी बड़ा इंजॉय किया, मेरी डॉटर ने कहा मामा ये मेरी बेस्ट बर्थडे। चले आप चॉप्स बड़ी ही ज़बरदस्त है, बहुत ही सॉफ्ट और बड़ी ज़बरदस्त हमने खा ली, और अब मैं ट्राई करने लगी हूँ फिश। आपको फिश बताते हैं फिश कैसी है। फिश जो है बहुत मज़े की, बड़ा क्रीमी टेक्सचर है फिश का। आप स्पाइस विलेज जाएं तो फिश ज़रूर ट्राई करें। कबाब चिकन टिक्का सब बहुत टेस्टी, वेरी नाइस है। कबाब भी बहुत ही टेस्टी है। ये है पापड़ी चाट, थोड़ी सी ये भी ट्राई करते हैं फिर आपको बताते हैं कि इनकी पापड़ी चाट क्या। वो समोसा चाट है, ये जबरदस्त समोसा चाट। ये ने लेनी है किसी ने है? अभी नहीं किसी ने लेनी, अभी वो फिश खा रहे हैं। तो बर्थडे तो आज बड़ी ज़बरदस्त हो गई भाई, बहुत टेस्टी खाना और वैरायटी इतनी है। कैसा खाना? अमेजिंग अमेजिंग, सो गुड। स्टार्टर से पेट भर गया, खाना आप कैसे खाएंगे? ड्रिंक ड्रिंक आपको बताते हैं चख के कैसी है। रिफ्रेशिंग, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। आई थिंक ये मिंट है, लाइम है इसमें, और बहुत रिफ्रेशिंग। मुझे गोलगप्पे उधर से कोई पकड़ा दे, गोलगप्पे भी बड़े ज़बरदस्त थे। स्टार्टर सब हम इधर लग गए, मैं पहले वो खाने से
ये देखो, इसको इधर रखो। और यानी कहते रहते ना गोलगप्पे सेवियां, ये वही हैं गोलगप्पे। जबरदस्त है गोलगप्पे, गोलगप्पे सेवियां खट्टा भी जबरदस्त है। वेरी नाइस खाना, और बच्चों को बहुत पसंद आया, मेरे हस्बैंड को बड़ा पसंद आया, इसीलिए मैंने कहा बर्थडे पे रिस्क नहीं लेना भाई। जो हमारा टेस्टेड है, यहाँ मैं एक दफ़ा आई थी फ्रेंड्स के साथ, खाना बहुत अच्छा था इधर का। टूटिंग वाली ब्रांच में तो हम गए थे, लेकिन इस वाली ब्रांच में फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। ये सेकेंड टाइम खा रही हूँ। हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने खाया था, तो फैमिली के साथ अब आई, उनको बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर हम लोग मेन कोर्स जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया। और खाना देखें, चर्सी कढ़ाई आई, इसमें निहारी आई, और लैम चर्सी कढ़ाई, चिकन चर्सी कढ़ाई, साथ इसके सारे लवाजमात थे, डिफरेंट टाइप के नान थे। बस स्टार्टर जरा तमीज़ नाल ही खाते हैं सर, हूँ मैंने भूख लगी सी। ये हम आपको अभी बताते हैं ये कैसे, ये निहारी है। अच्छा, निहारी भी है भाई, निहारी। और ये इधर देखें जी, मेरे हस्बैंड ने मंगवाई लस्सी, वो कहते हैं लस्सी ट्राई करनी। लस्सी मैं भी पी के वेखी, मिठी लस्सी से बड़ी वधिया है। पाकिस्तान ते चाटी दी लस्सी पी वी दी सी ना, पर एदा टेस्ट ही मैनू बिल्कुल उंजदा ही लगा, मजेदार। चर्सी कढ़ाई बहुत ही जबरदस्त है, ये देखें बड़ी जबरदस्त चर्सी कढ़ाई। निहारी बहुत टेस्टी है। अच्छा, चिकन चर्सी कढ़ाई और लैम चर्सी कढ़ाई और निहारी और गार्लिक नान भी है, इसमें दूसरा नान भी है, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी खाना है। आप आए नेक्स्ट टाइम ये साउथ हॉल वाली ब्रांच पे, और बहुत ज़बरदस्त खाना। अभी इनका किचन भी देखा, खाना बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है, बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तानी स्टाइल का खाना, फ्लेवर भी सारे वही हैं। ये भाई बहुत गुड सर्विस है इनकी, बहुत अच्छा इन्होंने हमें लुक आफ्टर किया है। और आप भी आए यहाँ पे, आपको ऐसी ही सर्विस मिलेगी। ट्राई करते हैं हम आपको बताते हैं कि गाजर का हलवा जो है आइसक्रीम के साथ कैसा लग रहा है। लगदा तो बहुत सोना पिया, लेकिन बहुत ही मज़े का, वेरी टेस्टी। अभी फलूदा भी ट्राई करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी भाई, पेट में जगह नहीं है पर छोड़ने वाला भी नहीं है, बड़ा ही मज़े का। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा खाना था, बड़ा एंजॉय किया हमने, एक्सीलेंट सर्विस थी आपकी और बहुत टेस्टी। वेलकम, प्लीज कम अगेन, थैंक यू, ऑलवेज हैप्पी टू सर्व यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खाना खा के बाहर निकले तो बाहर बारिश होंदी पई सी, मौसम सुन सर्दी नहीं सी पर मौसम बड़ा सोहना सी। मैं क्या चलो हुण कोट शोट पाईए तो थोड़ा जिहा इत्थे दा
चक्कर लाइए, तुहानू थोड़ा जिहा साउथ वल विखाइए। बड़ा इंजॉय किया, बहुत अच्छी बर्थडे मेरी बेटी की हुई। और अब थोड़ा सा हम फिरेंगे इधर, फिर घर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, हम जा रहे हैं चैरिटी इवेंट पे, जहां पर आपकी मुलाकात करवाएंगे बुशरा अंसारी और उनकी सिस्टर अस्मा से। ये इवेंट हो रहा है ग्रैंड सफायर में, जो कि स्पाइस विलेज की ही ब्रांच है। हम चल के देखते हैं कि इनका ये बैंक्वेट हॉल जो है ये कैसा है। शादियां और बहुत बिग गैदरिंग्स जो है, इवेंट्स जो हैं, इनके इस ग्रैंड सफायर में होते हैं। तो हम चल के देखते हैं कि यहाँ का माहौल और एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। के यानी आ जाओ, लेट्स गो। चलें जी, मिलते हैं आपको उधर। चल स्पाइस विलेज के ग्रैंड सफायर की ये ब्रांच क्रोइडन में है, और बहुत सोहनी बिल्डिंग लगती सी बाहरों। अंदर कार पार्क भी बहुत खूबसूरत था, इहदी एंट्रेंस भी बहुत ही सोहनी सी। और बस सर्दी थोड़ी सानू लगन लग पई, फटाफट गाड़ी पार्क करके हम आए हॉल की तरफ। गाड़ी पार्क करके असी आए अंदर, बाहर पार्किंग की भी बहुत अच्छी जगह थी। यहाँ रिसेप्शन पर मैंने वेट किया, क्योंकि इन्होंने हमें लेके जाना था आगे। नियत से नहीं, रह गया बस। ये ले जो हमारा पूरा ग्रुप आ रहा है, आपको देखते हैं। कल आपका वो टीवी का इंटरव्यू देखा था मैंने, जो कि आ जाए इनका चेहरा इस तरफ था। चलिए मैं इस तरफ से खाना। एंट्रेंस डोर ते जिथों जिथों मैं लंघी, हर कोई, मैं इन्ना हैरान हुई कि बहुत सारे लोग मुझे जानते थे, बड़े प्यार से मिले। और उन्होंने कहा, है हमें तो पता ही नहीं था कि आप आ रही हैं, तो बहुत ही खुश हुए। तो खैर, यहाँ पे स्टार्टर सर्व हो गया, चाट थी बहुत ही ज़बरदस्त, और चीज़ें थी यहाँ पे। ये कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, बच्चे, उनकी चैरिटी के बारे में बता रहे थे। मैं कहनी हाँ, इन्नी स्टोरियाज कहनी हाँ, स्टोरियाँ इन्नियाँ दिल दुखाने वाली सन कि साढ़े मुल्क च गुरबत किन्नी है, कि साढ़े मुल्क च लोग और बच्चे, माएँ ड्यूरिंग द बर्थ मर जाती हैं प्रॉपर इलाज ना होने की वजह से। तो बहुत ही दुख दे दिल नाल सारी कहानी सुनी। और स्पेशली ये जो इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब थे, जड़ी उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। मैं कहनी हाँ, हर कोई इंसान जो अपने मुल्क के बारे इस तरह सोचना शुरू कर देवे ना, तो असं गौरमेंट को तो कोई उम्मीद रखी ही ना कि वह साढ़े मुल्क वास्ते कुछ करे। हर इंसान जड़ा है अपने आप मुल्क दे विच तब्दीली ते बेहतरी लिया सकदा। Brothers and sisters, with your contributions, only and only with your contributions, Indus Health Network have saved more than 30,000 mothers and their children just in last year. कि मुझे एक ऐसा अस्पताल बनाना है जो आगा खान से बेहतर नहीं तो कम से कम वैसा और फ्री हो। मतलब टेबल पूरा टेबल मिलकर कोई प्लेस कर रहा हूं 10,000 पाउंड। खाना जड़ा है सर्व होना शुरू हो गया सी, और सेम टाइम ते यो अनाउंसमेंट कर रहे सन कि कोई टेबल 10,000 दी प्लेज करे, वे एक्सेप्ट करे कि 10,000 पे करेंगे। कोई टेबल 15,000 दा एक्सेप्ट कर ले। हॉस्पिटल दा कोई यूनिट जिथे वो बई मशीन रख सकन, कोई 30,000 जड़ा है वो एक्सैप्ट कर लवे कि एक हॉस्पिटल च यूनिट लग जाएगा जिथे कैंसर दे पेशेंट्स का इलाज होएगा। अच्छा, उन्होंने इन्ना, मैं कहनी हाँ पता नहीं किस तरह कहा कि 30,000 वाला जड़ा है यूनिट कैंसर दे पेशेंट्स, बच्चों जिन्होंने ब्लड कैंसर हो जाता, उन्होंने वास्ते मैं हाथ खड़ा कर दिता। हूँ मैनू नहीं सी पता
कि मैं यह कितों करना। बाहर वाले का मैं जल्दी गो फंड का पेज बनावांगी तुहाडी सारयां दी सपोर्ट दे नाल। इंशाला इंशाला असी इस यूनिट नूं जिहड़ा ना पूरा करांगे, जिथे फ्री इलाज होएगा ते तुहाडी सारयां दी हैल्प एंड सपोर्ट दी मैनूं जरूरत होएगी। इहदे ते ते मैं वॉइस ओवर ही कर दित्ती है, एक क्लिप मैं दोबारा ऐड करनी आ। बुशरा अंसारी और उनकी सिस्टर आ गई थी, अब आगे से इनकी गुफ्तगु सुने। बिल्कुल नहीं, सही बात, वोट नहीं जो डालने देते तो फिर मैं क्या कहूँ, कसमा नु खाएंगे, यही कह सकते, इसकी अच्छी गाल ही नहीं आती मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंडस हॉस्पिटल के बारे में आपने डिटेल से, कलंदर कलंदर हो रही है, फ्रॉड की भी बड़ी आवाजें आ रही है और तेरे बिन भी जा रहे हैं। तो मेरी बहन है ही बड़ी प्यारी और बहुत ही बहादुर है, कैंसर सर्वाइवर है, इसने लात मारी है कैंसर को ऐसे करके कि पता भी नहीं चला कहाँ गया। आपकी उम्र पूछ लो तो आप माइंड तो नहीं करेगी भाई, पूछ ले, मेरा तो नया फलसफा है। फलसफा ये है कि तोल लो, जो भारी वही बड़ा। अच्छा चले ये बताइए, हाँ मैं आ रही हूँ, बस अभी आई ना, तुम खान से कहना मैं पहुंची की पहुंची, उसे बातों पे लगाओ जल्दी बहल जाता है। कह रही हूँ ना मैं आती हूँ। अच्छा खुदा हाफिज। आप क्या समझ रही, मैं उस खान की बात नहीं कर रही, हमारे घर में ड्राई फ्रूट खत्म हुआ, बता हम पिस्ता बादाम लेने वाले खान से बात कर रहे थे। खुदा हाफिज। मेरे मम्मा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? मैं क्या करूँगी? कौन पूछा थे लोगों ने? कौन बचाएगा पाकिस्तान? अरे अब आप ग्रुप बनवा ले, आप इनको रोके। इत्थे रश इन्ना को हो गया कि मैं डिसाइड किया कि इत्थों हट जाया जाए, क्योंकि मैनू इंज चंगा नहीं लगता कि लोगों के वड़ वड़ के तो अंदर जाओ तो कहो कि भाई असी भी तस्वीर खिचानी है। पर लेकिन वो मुझे ले गई अंदर, उन्होंने कहा चले आप पिक्चर खिंचवा लें इनके साथ। लेकिन फिर भी ये एक लड़की, उसने हाथ आगे रखा हुआ था कि आप नज़दीक ना आए इनके, तुसी मेरी शक्ल वेख लो, मैनू चंगा लगा ही नहीं। मैं कलो तुसी खलोवो, तो मैं जो है ना फिर वहाँ से हट। मैं सोचा कि मैं टाइम नहीं ज़ाया करती, मैं जो डॉक्टर साहब थे जो इंडस हॉस्पिटल जो नई फाउंडेशन रखना चाह रहे हैं कराची में लाहौर में, मैंने कहा उनसे आपकी बात करवाती हूँ। वेलकम जी, आज हम इंडस हॉस्पिटल की चैरिटी के इवेंट पे आए हुए थे और यहाँ पे टारगेट थे कि किस किस हॉस्पिटल के शोबे के लिए लोग डोनेट करते हैं, तो मैंने 30,000 चैरिटी का जो है एक्सेप्ट किया है चैलेंज, जो कि कैंसर के पेशेंट्स के लिए है, वो वाला यूनिट, हाँ जी उसके लिए यूनिट है, और मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए अपने सब फॉलोअर्स की 30,000 रेज करने के लिए। इसमें मेरे रमजान में ये पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये हॉस्पिटल कहाँ पे बन रहा है? कराची में और लाहौर में, दोनों जगह आप कहेंगे तो कराची और लाहौर दोनों जगहों पे बन रहा है, और मैं इसकी ज़रूरत समझती हूँ कि मेरी अपनी माँ, अच्छा हॉस्पिटल ना होने की वजह से इलाज नहीं हो सका तो दुनिया से चली गई, भाई की बीमारी ऐसी थी इलाज नहीं हो सका वो दुनिया से चली गई चला गया। तो इस चीज़ में मैं पूरी सपोर्ट करूँगी कि इंशाल्लाह हम ये टारगेट अचीव करें और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमतें हल कर सकें। थैंक यू सो मच।